तो यार हम सब ने ठंड के तो मजे ले लिए, हवा आ रही है भाई चिलचिलाती गर्मी, और यही गर्मी में निकलने वाली है सबकी मनपसंद की चीजें। मनपसंद की चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीलिंग फैन और एसी के बीच का जो ब्रांड है ना उसे हम डेजर्ट कूलर बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में कूलर भी बोलते हैं। और यार इन कूलरों को हर सीजन यूज करने से पहले हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो पैड्स है ना ये इसके मेन पार्ट होते हैं, यही गर्म हवा को ठंडा करते हैं। और गाइस इन्हीं के कारण हमें कूलर को हर सीजन मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यार जो हमारे इंडिया का एनवायरमेंट है ना उसमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी के कण है, और यही धूल मिट्टी के कण इन पैड्स के होल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण इसमें अच्छे से एयर फ्लो नहीं हो पाता। और इसका दूसरा नुकसान गाइस, जब इसमें से पानी फ्लो होता है तो घास के छोटे छोटे तिनके टूटकर हमारे पंप में फंस जाते हैं, जिसके कारण हमारा पंप भी खराब हो जाता है। और आप लोगों ने एक चीज महसूस की होगी कि कूलर से दो तीन दिन बाद एक गंदी सी स्मेल आती है, वो भी इसी कारण से आती है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोगों ने एक परमानेंट अल्टरनेटिव निकाला है, जो कि वन टाइम इन्वेस्ट है और काफी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। तो चलो देखते हैं। ये रहा हमारा अल्टरनेटिव। अब मैंने इसको कैसे बनाया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है दो जाली होगी, जिसमें से एक प्लास्टिक की है और एक है स्टील की। और ये प्लास्टिक की जाली हमारी स्टील की जाली को सपोर्ट देने के लिए है। मैंने इन जालियों को दो लेयर में करके कवर के हिसाब से काट लिया है। अब इन्हें साइड बिठाएंगे और फिर अपने कवर में लगाएंगे। फाइनली गाइस हमारी जाली बनके हो चुकी है तैयार। अब हमें इस कवर से पहले इस जाली को निकाल लेना है। तो यार इस कवर पे जाली लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे मैजिक लगा देता हूँ। और यहाँ पे हमारी जाली लगके हो चुकी है तैयार हमारे कवर में। तो इसी तरीके से हमने तीनों कवर को तैयार कर लिया। और गाइस ये जो आप लोग कपड़ा देख रहे हो, ये कपड़ा हमने इसलिए लगाया ताकि जो पानी है वो जाली में पूरा फैल के जाए। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, आ जाओ। गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है और जो हमारा पानी है ना वो भी अच्छी तरीके से फ्लो हो रहा है। तो भाई इस गर्मी तो मैं बिना एसी के भी रह सकता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।